सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बीते 2.5 साल से लापता बाघिन T42 वापस लौट आई है। बाघिन की वापसी से टाइगर रिजर्व की पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लापता बाघिन T42 का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि 2.5 साल बाद लौटी लापता बाघिन T42 नामक इस बाघिन को साल 2020 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा में स्थानांतरित किया गया था, जहां उसने पर्यटन और गैर पर्यटन दोनों क्षेत्र को कवर करते हुए अपना क्षेत्र स्थापित किया था। वो पर्यटकों के साथ सहज थी और अक्सर उसे देखा जाता था। फिर 2021 की गर्मियों में वो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गई। पूरे पार्क में गश्त के दौरान उसका कोई निशान नहीं मिला, ना ही वो पार्क में लगाए गए किसी कैमरा ट्रैप में दिखाई दी। अब पैदल गश्त करने वाली टीम ने अपने दौरे के दौरान बाघिन के घुर्राने की आवाज सुनी। उसी दिन वनवासियों ने दोपहर बाद बाघिन के घुर्राने की आवाज फिर से सुनी। फिर इसकी लोकेशन ट्रेस कर इसके फोटो और वीडियो लिए गए, जिससे इसके वापस लौटने की पुष्टि हुई। टाइगर हाल में 3 दिन पहले हम लोगों को, हमारा स्टाफ जो पेट्रोलिंग कर रहे थे चूरना रेंज में, वहां पर मिला है। फिर उसका जो आईडी हम लोगों ने जब मिलान किया तो ये पता चला ये हमारा पुराना एक टाइगर है, जो हम लोग बांधवगढ़ से 2020 में यहाँ रिवाइल्डिंग के बाद रिलीज किया था। वो टूरिज्म एरिया, नॉन टूरिज्म एरिया में बहुत बार देखते थे टूरिस्ट भी, हमारा स्टाफ के द्वारा भी पेट्रोलिंग मिलता था। सो जो सम गर्मी के सीजन 2021 के बाद भी टाइगर का हम लोगों को पेट्रोलिंग में भी नहीं मिला। हम लोगों ने कैमरा ट्रैपिंग भी जो हम लोग ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में किया, फिर उसके बाद फेस फोर मॉनिटरिंग में भी कैमरा ट्रैपिंग में ये नहीं मिला है। सो अभी वो अचानक अब 4-5 दिन पहले पार्क के अंदर पुनः देखा गया है। ये ऐसे प्रकरण पहले भी हुआ है सतपुड़ा में भी, अन्य पार्कों में भी होता है। टाइगर क्या है, जैसे कभी उसका कंपटीशन ज़्यादा रहता था, वो अपना एरिया छोड़कर दूसरा एरिया एक्सप्लोर करता है, फिर वापस भी आता है। सो ऐसे संभवतः ये टाइगर पॉसिबल है टाइगर रिजर्व का अंदर भी रह सकता है या आसपास, क्योंकि बफर के बाहर भी यहाँ पर जो जंगल है बहुत अच्छा है। बैतूल का तरफ है जो होशंगाबाद का जंगल है, छिंदवाड़ा का जंगल है, संभवतः ये बफर क्षेत्र में जाके वापस आया होगा। यहाँ इसके टाइगर जो हमारा रिपोर्ट के हिसाब से ये PSTR-42 बोलते हैं, ये मालिनी के आसपास एरिया में पहले बहुत दिखता था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।